बंगस यह कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक हिमालयन सब वैली है। यह हांडवाड़ा नगर के पश्चिम में मावरी नदी से आच्छादित है। बंगस यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों का अपभ्रंश है, वन अर्थात फॉरेस्ट एवं गस अर्थात ग्रास। इन शॉर्ट बंगस का अर्थ है फॉरेस्ट मेडो। यह एक ग्रेजिंग ग्राउंड है। 10,000 फीट पर स्थित यह वैली श्रीनगर से 150 किलोमीटर के अंतर पर है। बंगस 300 स्क्वायर किलोमीटर आयाम विस्तार है। इस अद्भुत वैली को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बड़ा बंगस या बॉड बंगस एवं लॉकुट बंगस अथवा छोटा बंगस। यहाँ आगमन के तीन मार्ग है। सबसे निकटतम किंतु कठिन राजवाड़ हांडवाड़ा से है। यह मार्ग छोटा एवं बड़ा बंगस के मध्य में गंतव्य होता है। दूसरा लंगेट से जो दीर्घ है, यह बड़े बंगस में आगमन कर आपको वैली के अद्भुत दृश्य देता है। थर्ड और सर्वोत्तम सुलभ चौकीबल से, इस मार्ग से आपका वाहन छोटा बंगस के बेस तक गंतव्य होता है। यहाँ से 30 से 40 मिनट का सिंपल आरोहण कर आपका बंगस आगमन होता है। बंगस वैली यह मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हॉट जोन होने के कारण यहाँ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना तीव्र है। इसी कारण आप इस क्षेत्र को मोस्ट टाइम्स हांडवाड़ा या लंगेट से भेंट नहीं दे सकते। हांडवाड़ा का मार्ग अत्यंत सुंदर वन से आगमन करता है, जो ट्रेकर्स एवं नेचर लवर्स के लिए बेस्ट है, किंतु इस क्षेत्र में मिलिटेंट कॉन्फ्लिक्ट की संभावना होने के कारण आर्मी आपको यहां से गंतव्य की परमिशन नहीं देती। वीआईपी पास भी बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। केवल बकरवाल एवं गुज्जर समाज ही यहां से जा सकते हैं जिनके पास बनते हैं। मुझे इस बात का अनुमान नहीं था। माता भद्रकाली के मंदिर भेंट योजना समय मैंने मैप पे बंगस को दृष्ट किया था, जो हांडवाड़ा से केवल 20 किलोमीटर अंतर पर स्थित था, किंतु जब मेरा यहाँ आगमन हुआ तब आर्मी ने मुझे वास्तविकता से परिचय कराया। परंतु आर्मी के 21 RR यूनिट ने मेरी बहुत सहायता की एवं मुझे स्पेशल परमिट प्रदान किया, जिस द्वारा मैं हांडवाड़ा से ट्रेक कर बंगस जा सकता हूँ एवं वहाँ दो नाइट स्टे कर सकता हूँ। उस प्रति उन्होंने आर्मी लाइंस को इन्फॉर्म भी कर दिया। मुझे इस क्षेत्र में ड्रोन फोटोग्राफी करने की भी अनुमति दे दी। मिलिटेंट्स के कारण बंगस टूरिज्म से अलिप्त रहा है, किंतु कुछ समय से यहाँ टूरिज्म डेवलप करने का प्रयास भी हो रहा है। वर्तमान में यहाँ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूनता है। वाहन मार्ग से गंतव्य करते समय भी आपको बहुत से चेक पोस्ट पे अंकड़ा करनी पड़ती है। आपको इस क्षेत्र में आगमन करने के लिए चौकीबल के पोस्ट को संध्या 5 के पूर्व क्रॉस करना आवश्यक है। नमस्कार दर्शकों, मैं इस अद्भुत अनटच्ड बंगस वैली में हूँ। यहाँ आने के तीन मार्ग है। लंगेट से आता है, ये एक लंबा मार्ग है। यहाँ से आरोहण कम पड़ता है, किंतु इस क्षेत्र में आने के लिए आपको बहुत चल के आना पड़ेगा। सेकंड है, जो क्विकेस्ट मार्ग है, वो हांडवाड़ा से, जहाँ से आपको आर्मी की परमिशन निकालनी पड़ती है। बहुत स्टीप चढ़ाई है, बहुत शॉर्ट मार्ग है और आप यहाँ पे आ जाते हो, किंतु आर्मी का ऐसा मानना है कि वो थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन जोन है, वहाँ पे मिलिटेंसी का खतरा है, तो वहाँ से आपको विजिटर्स को परमिट नहीं मिलती, वीआईपी पास भी नहीं मिलता, सिर्फ आप बकरेवाल और गुज्जर जो यहाँ के नोमैडिक कम्युनिटी है उनको मिलता है। किंतु आर्मी मेरे प्रति बहुत वार्म थी और उन्होंने मुझे 2 दिन रहने का पास दे दिया था और कहा था कि आप 2 दिन यहाँ पे जिधर भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, किंतु मैंने वो मार्ग नहीं लिया क्योंकि बहुत रात्रि का समय हो गया था। तो मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे थर्ड मार्ग, जो नॉर्मल मार्ग है, जो कुपवाड़ा से आता है चौकीवाल, फिर टीपी से 4-5 किलोमीटर्स का एक आरोहण कर आपकी गाड़ी रुक जाती है और वहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स आपकी स्पीड पर डिपेंड करते आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ से आपको कोई परमिशन नहीं लगती। बंगस वैली एंटर करने के बाद आपको एक आर्मी की पोस्ट है, वहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन देना है। यदि आपको सुबह जाके शाम को आना है तो उनको बताना है, और यदि आपको कैंपिंग करना है तो उनको बताना है। आप बंगस में कैंपिंग कर सकते हैं, किंतु आपको बंगस मार्ग के अंतिम चेकपोस्ट पे परमिशन लेनी पड़ती है एवं कहीं समय बंगस में स्थित आर्मी पोस्ट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। वैली में बकरवाल के हट्स है जहाँ आप स्टे कर सकते हो। बेसिक फूड आपको यहाँ मिल जाता है, किंतु इस क्षेत्र में कैंपिंग का ही आनंद है। रात को कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बकरवाल के हट से आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, और फिर यहाँ से आप, यदि आपको आर्मी अलाउ करे तो आप हांडवाड़ा से नीचे जा सकते हैं, और यदि आपके पास ऑफकोर्स वाहन रहेगा तो आप वापस कुपवाड़ा से वाड़ीपुर के रास्ते भद्रकाली माता का टेम्पल विजिट करके फिर से श्रीनगर जा सकते हैं। इस वैली के दृश्य एवं कलर कॉन्ट्रास्ट अद्भुत है। आपको यहाँ हिम शिखर युक्त अल्पाइन मेडोज का आनंद मिलता है, जो कॉनिफरस ट्रीज से आच्छादित है। इस क्षेत्र में आपको हिमालय के अद्भुत जड़ी बूटी एवं कलरफुल फ्लोरा भी दृश्य होते हैं। यहाँ स्थित 15,500 फीट हाई काजेनाक पर्वत इंडिया एवं पाकिस्तान के LOC की सीमा डिफाइन करता है। इस पर्वत पर स्थित अद्भुत काजेनाक झरना एवं सतकुल नाग दिव्य नाग संस्कृति का ऊर्जात्मक प्रतीक है। यहाँ स्थित 12,000 फीट शमसाबारी पर्वत के शिखर से हमें बंगस के पैनोरमिक व्यू प्राप्त होते हैं। यहाँ बहुत से ग्लेशियर्स भी है, जिस कारण यह पर्वत ट्रेकिंग के लिए बहुत से ऑप्शंस ओपन करता है। विंटर्स में बंगस वैली स्नो से आच्छादित हो जाती है, जो स्कीइंग के लिए उपयुक्त है।
इस क्षेत्र को एशिया खंड के बिगेस्ट गोल्फ कोर्स में डेवलप होने की क्षमता है। समर एवं विंटर इको टूरिज्म डेवलप करने का इमेंस पोटेंशियल है, किंतु एक विचार यह भी है कि यह सुंदर क्षेत्र वर्तमान तक मिलिटेंसी के कारण ही अनटच्ड एवं वर्जिन रहा। परंतु मेरे भेंट समय ये स्थिति चेंज होती दृश्य हो रही थी। कुछ समय से बंगस को कश्मीर के लोकल्स बड़ी मात्रा में भेंट देते हैं, जिस कारण आपको अब यहाँ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के चिन्ह दृष्ट होते हैं। बंगस तक वेहिकुलर रोड लगभग आ ही गई है। ऐसा अनुमान है कि अगले वर्ष तक बंगस तक वाहन मार्ग प्रस्तापित हो जाएगा। इसी कारण यहाँ इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट को कंसिडर कर सस्टेनेबल विंटर एवं समर इको टूरिज्म डेवलप करने की आवश्यकता है। टूरिज्म डेवलपमेंट से कश्मीर के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स का प्रेशर कम हो जाएगा। टूरिज्म के कारण इस क्षेत्र की इकोनॉमी में सुधार होगा एवं यहाँ जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी प्रस्तापित होगी, जिससे मिलिटेंसी समाप्त हो सकती है। इसका ज्वलंत उदाहरण कश्मीर के अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स है, फॉर एग्जाम्पल गुलमर्ग, जहाँ मिलिटेंट एक्टिविटी न्यूनतम है, क्योंकि यदि लोकल इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो मिलिटेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं मिलता। मिलिटेंसी हो या क्रांति, वह सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में ही जन्म ले सकती है, सस्टेन कर सकती है। किंतु ये केवल मेरे विचार है, आपके क्या विचार है अवश्य कमेंट्स में लिखिए। टेक्निकलिटीज यदि हम थोड़े समय के लिए रख दें तो ये एक बहुत ही अनसीन प्रिस्टीन वैली है। आशा करता हूँ आप अपने अगले कश्मीर ट्रिप पे इस वैली के भेंट को कंसिडर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।